रवि जी, सबसे पहले तो आप बड़े हैंडसम लग रहे हैं सर। थैंक यू। रवि जी, क्या सीक्वेंस है हमने देखा? मैं ये फिल्म है काशी अमरनाथ, मैं इसमें अमरनाथ हूँ और घर में हम लोगों की जायदाद बहुत होती है और कज़िन ब्रदर्स जो लोग हैं, लोग थोड़ा सा नेगेटिव सोचते हैं उस जायदाद और चीटिंग करते हैं और वो चीटिंग पकड़ी जाती है। तो आज वो सीक्वेंस है एंड देन आई कम टू नो और फिर मैं उनको उसकी सज़ा देता हूँ कि घर में जब दादाजी हमारे ग्रैंडफादर इसके मालिक हैं तो और तुम लोग हक हिस्सेदार होने के बाद फिर चोरी क्यों कर रहे हैं। सो जो भी है ऑनेस्ट खेल खेलो, मैं ये बोलना चाहता हूँ। आप प्रियंका जी के प्रोडक्शन हाउस की ये दूसरी फिल्म है, मम्मा बोल रहा है काशी पहले आई थी। रवि जी, आप तक ये किरदार कैसे पहुँचा? ये संतोष मिश्रा सुधा जी हैं जो नेहा सांडिल जी की माता जी, तो उन्होंने बोला कि ये कहानी और आप एकदम जचते हैं ये कहानी में और आप और दिनेश जी साथ में आए। दिनेश हमारे छोटे भाई हैं और कॉम्बिनेशन और प्रियंका जी का प्रोडक्शन हाउस इतना बड़ा है, भोजपुरी के लिए बहुत एक ऊंचाई की बात होगी। मधु चोपड़ा जी हैं, सो ये सारे बहुत क्रिएटिव लोग हैं और पैसे की कोई कमी नहीं, प्रोडक्शन वैल्यू बहुत हाई है एवरीथिंग और स्क्रिप्ट अच्छी है, संतोष मिश्रा जी डायरेक्टर अच्छे हैं, स्टार कास्ट बहुत अच्छी है, तो मैंने इसको हाँ बोल दिया। रवि जी, प्रियंका जी की भोजपुरी फिल्म है जरूर, लेकिन वो कभी भोजपुरी फिल्म खुद नज़र नहीं आई, क्या रवि किशन की इस बारे में प्रियंका जी से कभी कोई बात हुई? मेरी अब मुलाकात हुई नहीं है उनसे, पहले बहुत साल पहले हम लोग मिले थे एक शो में। तो इस बार मिलेंगी तो ज़रूर मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक सॉन्ग तो ज़रूर करिएगा, एक ये ज़रूर मैं रिक्वेस्ट करूँगा। दिनेश जी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये स्वीट हार्ट तो बहुत अच्छे हैं, हमारे छोटे भाई हैं और बहुत बढ़िया इंसान हैं और मस्त मौल आदमी और हमारी बड़ी इज्जत करते हैं, मैं भी इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। हम लोग आज वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, ब्रदर जो भी कहें, और गॉड ब्लेस हिम, हार्ड वर्किंग है, आज वो जहाँ पर पहुँचे अपनी मेहनत से अपनी काबिलियत से पहुँचे। रवि जी, एक आखिरी सवाल, आप भोजपुरी फिल्म के ट्रेंड्स पे लगातार कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, प्रियंका चोपड़ा जैसा बड़ा नाम अब भोजपुरी फिल्मों में आया है, इस ट्रेंड को कैसे देखते हैं रवि जी? हाँ, एक बड़ी उछाल है ये, बहुत उनको साधुवाद देता हूँ, उनको और उनकी फैमिली को धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने भोजपुरी के लिए सोचा, इस इंडस्ट्री को जहाँ पे आज इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, आज 34 करोड़ लोग भाषा को बोलते हैं समझते हैं और इस बेल्ट में अब सारी फिल्में बनने लगी हैं। सो मैं उनको पूरा साधुवाद देता हूँ कि थैंक यू, आपने प्रियंका जी और मधु जी आप लोगों ने भोजपुरी सिनेमा को उठाने के लिए प्रोडक्शन हाउस खोला अपना, थैंक यू इसके लिए आप लोगों का। रवि जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय हो, जय हो। थैंक यू। भोजन खाइए आप लोग। थैंक यू।